स्रोता वायुश्च प्राणस्य मुखात् दग्निरजायतायाज्यं च प्रतिशं गुप्तं वह्निनां ज्योतिषं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यमिरापहम् धूप दीपम दर्शयामि ओम दुर्गा देवी भयो नमः सदैव द्रव्यं देहि सत्त्वं मामं सत्त्वं भूता देवे पुरुषा सकल प्रियम आयुरेव दीर्घमात्रं नमस्ते उसी क्रम में ये दोनों नेता शत्रु जी आज आप मंदिर पंडाल दर्शन कर रहे हैं जिसको बोलते हैं पंडाल हॉपिंग कर रहे हैं तेजस्वी के साथ, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। तेजस्वी एक तरफ जहां बिहार का भविष्य के रूप में देखता हूं, जैसे तेजस्वी को वर्तमान एक मजबूत और बहुत चहेता चेहरा देखता हूं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी हमारे पारिवारिक मित्र, बहुत अंतरंग मित्र के बच्चे हैं, बेटे हैं, और आज बहुत दिनों से हमारी ख्वाहिश थी कि नवरात्रि में पंडाल में पंडाल हॉपिंग जिसे आप लोग कहते हैं उस पर हम लोग साथ जाएं, नवरात्रि की शुभ घड़ी में यानी बिहार प्रदेश के लिए, देशवासियों के लिए अच्छी अच्छी बातें, कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना लेकर आएं कि समाज में सद्भावना हो, खुशहाली हो, एकता हो, तरक्की हो, बरकत हो। हम इतना ज़रूर कह सकते हैं आज के दिन हमारा और तेजस्वी को जो साथ दिख रहा है आपको, अच्छे दिन की बात नहीं करूंगा लेकिन शुभ दिन जरूर आने वाले हैं हम लोगों के लिए। ऐसे में आपने तेजस्वी का तिलक भी लगा दिया है, राज्याभिषेक कर दिया हमने तेजस्वी का, अब इसके बाद मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए किया है क्या कि सबसे सुयोग्य है, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री के लिए किया है। मैंने कहा ना ये बिहार का आज वर्तमान चहेता चेहरा तो है ही, लेकिन बिहार का भविष्य भी मुझे तेजस्वी के साथ दिखता है और तेजस्वी में ही दिखता है। तेजस्वी शत्रु जी के साथ आज पंडाल हॉपिंग में आप लोग निकले हुए हैं? नहीं देखिए, एकदम हमारे अभिभावक हैं, मेरे पिता के अच्छे मित्र रहे हैं, सुख दुख में हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं और लगातार इनका आशीर्वाद और प्यार हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और आज नवरात्र के अवसर पर हर जगह पंडालों में जिस प्रकार से पटना के लोगों ने हम लोगों को आमंत्रित करने का काम किया है और लगातार जो सेवा इन्होंने जनप्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने किया है, तो आज मौका इनके साथ पहली बार मिला है माँ के दर्शनों करने का, पंडाल में जाने का, तो ऐसा मौका कोई क्यों ना खोने का नहीं बनता बल्कि छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे में एक चीज और बताइए, क्या राजनीतिक संकेत क्या है, दोनों नेता साथ साथ आए हैं? अब आप लोगों का काम है, आप लोग कुछ भी अपना आकलन करते रहे उससे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी कहा ना अच्छे दिन की बात नहीं कर, शुभ दिन तो अवश्य आने वाले हैं। दोनों मस्ती के माहौल में है लेकिन इस दोनों नेता इस वक्त नहीं, नहीं क्योंकि आज राजनीति की घड़ी नहीं है, राजनीति की बात है, धर्म कर्म की, पूजा की, अर्चना की घड़ी है, नवरात्रि के इस शुभ त्योहार पे हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो जाहिर है समाज के लिए साथ रहेंगे, देश के लिए साथ रहेंगे, हम तो सदियों से साथ हैं, जमाने से साथ है, पारिवारिक मित्र के बच्चे हैं ये, रहेंगे आप लोग भी? अरे हमारे अभिभावक के साथ रहना क्या, हम तो कह रहे दुख सुख में हमेशा एक रहने हैं।